वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज का जो वीडियो है काफी रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो मैंने की थी अपने सीए फाइनल के स्टडीज के टाइम पे। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि जो अब सीए फाइनल के लिए या सीए एग्जाम्स के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो ये मिस्टेक्स रिपीट ना करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात, नो रिविजन्स आफ्टर क्लास। क्या हुआ था मेरे टाइम पे, मेरा अटेम्प्ट था नवंबर 2013 में, जो सीए फाइनल का अटेम्प्ट था, और मैंने क्लासेस स्टार्ट करी थी नवंबर 2012 में, एक साल पहले। तो हमारे सिटी में क्लासेस तब थे नहीं सीए फाइनल के, तो इसीलिए हम दूसरे सिटी गए थे क्लासेस करने। तो अब हुआ क्या, दूसरे सिटी गए हैं, अपने घर से दूर हैं, तो सारा काम खुद को करना है। मेस का खाना, मेस पे जाना पड़ता था खाना खाने के लिए। तो इसी गड़बड़ में हम जो क्लास करके आते थे, तो एक्चुअली एवरीडे उसका घर पे आकर रिविजन करना चाहिए, ताकि क्योंकि वहाँ पे क्लासेस हमने काफ़ी सारे क्लासेस एक साथ लगाए थे, तो काफ़ी सारा एक दिन में ही सारा सब चीज़ें दिमाग में जाती थी, लेकिन वो रिवाइज नहीं हो पाती थी। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई कि हमने, मैंने और मेरे किसी भी फ्रेंड ने, जो हम साथ में गए थे क्लासेस करने, हम घर पे आके कभी रिवाइज नहीं किया। जो होमवर्क मिलता था, एक आधा कोई क्वेश्चन अकाउंट का मिल गया, या कोई केस स्टडी मिल गया सॉल्व करने के लिए, तो उतना बस कर लिया। बाकी कोई जो क्लास में पूरा जो आज हुआ है वो पूरा अच्छे से 2-3 घंटे बैठ के रिवाइज करना, ऐसा हमने कभी नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी हमसे। दूसरी बात, हमने पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के क्लासेस लगा लिए, जैसे अकाउंट्स हो गया, SFM हो गया, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे, कॉस्टिंग हो गया, तो इनके क्लासेस हमने सबसे पहले इनके क्लासेस लगा लिए और सोचा थ्योरी बाद में कर लेंगे, बाद में लास्ट में थ्योरी की क्लासेस करेंगे। तो अटेम्प्ट जब आया पास में, तब समझ में आया कि थ्योरी की क्लासेस आप कभी भी करो, करना तो खुद से ही पड़ता है, घर पे उतना खुद से ही वापस बार बार लर्न करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। तो तब लगा कि अगर हमने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की क्लासेस बाद में की होती तो दिमाग में फ्रेश होता। कभी कभी तो ऐसे हो जाता था, जब हम सेल्फ स्टडी करने घर पे बैठे हैं, तो जब क्लासेस ख़त्म करके हम वापस अपने सिटी आए, तो जब हम घर पे पढ़ने बैठते थे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, तो ऐसा होता था, याद ही नहीं आता था कि ये ऐसा एडजस्टमेंट का इफेक्ट, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ। तो क्यों? क्योंकि हमने क्लासेस के बाद कभी रिवाइज नहीं किया और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के क्लासेस होके काफ़ी टाइम हो चुका था, तो इसीलिए वो रिकॉल करने में बहुत टाइम जा रहा था। और तब 2013 में जब मेरा अटेम्प्ट था नवंबर में, तब यूट्यूब पे भी कुछ लेक्चर्स वगैरह अपलोड नहीं हुआ करते थे। 2014 से शुरू हुआ ये सब, यूट्यूब पे लेक्चर्स आना, इंटरनेट पे अवेलेबल होना, तो तब यूट्यूब पे भी कुछ सॉल्यूशंस नहीं मिलते थे। और हमको ये, हम सोचते थे कि सर को फ़ोन करके पूछेंगे तो सर पहचानेंगे या नहीं, हमारे एक क्लास में, एक बैच में 500-500 बच्चे होते थे, तो सर एंटरटेन करेंगे या नहीं अगर क्वेरी पूछी तो, और इतनी छोटी सी क्वेरी के लिए सर को कैसे कॉल करें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती थी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को लेके। थ्योरी तो देखो आप कभी भी कर लो, थ्योरी के क्लासेस खुद से तो वो करना ही पड़ता है। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट, अगर आप एक साल पहले क्लासेस चालू कर रहे हो तो आप थ्योरी सब्जेक्ट्स पहले कर लो और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की क्लासेस लास्ट में करो, क्योंकि वो फ्रेश रहेगा। आप घर में तभी का तभी रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। थ्योरी का अभी तो आपको देखो यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो अगर आपने क्लासेस पहले कर ली तो जब आप रिवाइज कर रहे हो घर पे, तो रिवीजन पहले कर लिया खुद का, फिर उसके बाद यूट्यूब पे थोड़े बहुत लेक्चर्स देख लिए, अमेंडमेंट लेक्चर्स देख लिए, तो सफिशियंट हो जाता है थ्योरी के लिए। तो प्रैक्टिकल क्लासेस बाद में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बाद में, थ्योरी सब्जेक्ट्स पहले, ऐसा मुझे लगता है। तीसरी बात ये हुई कि मैंने, जब मैं एक अटेम्प्ट के 6 महीने पहले मैं अपने घर वापस आ गई थी, जून में मैं अपने घर वापस आ गई थी, तो अब जून से लेके नवंबर तक मेरे पास टाइम था, तब सेल्फ स्टडी किया, तब बिल्कुल भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की मैंने।
देर वॉज नो राइटिंग प्रैक्टिस एट ऑल. अकाउंट्स का जब मैं सम्स भी सॉल्व कर रही हूँ तो जैसा हम 11, 12th में करते थे ना, असेट्स अमाउंट अमाउंट लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट टी फॉर्म में, वो फॉर्म में, और वहाँ पे भी सिर्फ अमाउंट लिखना है, असेट का नाम नहीं लिखना है, लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ अमाउंट लिखते जाना है, देखना है लास्ट में टैली हो रहा है कि नहीं, बस इतना प्रैक्टिस किया. जबकि हमको बैलेंस शीट बनानी होती है, वो पूरा वो इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ वो वाले फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनानी होती है, तो उस फॉर्मेट में प्रैक्टिस नहीं किया और लिखने का प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किया. थेरी सब्जेक्ट के लिए तो बिल्कुल नहीं, अकाउंट्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो भी कि चलो आंसर आ रहा है क्या देखने के लिए करते थे, बट थेरी सब्जेक्ट के लिए तो बिल्कुल राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया. और हुआ क्या, जब एग्ज़ाम देने बैठे तो 6 महीने कुछ लिखा नहीं है, बीच में क्लासेस में जो लिखते थे उसके बाद डायरेक्ट पेपर में लिख रहे हैं, तो लिखने की आदत ही नहीं रही थी, हाथ इतना दुखते थे. और अकाउंट्स का जो पहला पेपर होता है, आई वुड टेल यू, मैंने सिर्फ 66 मार्क्स का मैं पेपर अटेम्प्ट कर पाई थी. मुझे आज भी याद है अकाउंट्स का सिर्फ 66 मार्क्स का, क्यों, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं की थी, देयर वाज नो राइटिंग प्रैक्टिस एट ऑल. तो अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सॉल्व करके देखो, पूरा अच्छे से सॉल्व करके देखो. शुरुआत के कुछ 2-3 क्वेश्चंस अच्छे से करो, बाद में के थोड़ा फास्ट करो, बट राइटिंग प्रैक्टिस हमेशा रखना. चौथी बात, नो क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग. कोई 6 महीने में एक भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व ही नहीं किया, जितना क्लासेस में पढ़ा था बस उतना ही किया, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से नहीं उठाया. तब मेरे टाइम पे प्रैक्टिस मैनुअल्स भी नहीं आए थे, तो पीएम तो हमारे पास थे ही नहीं. बाकी कोई मैंने कोई क्वेश्चन पेपर एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं किया. डायरेक्टली जो नवंबर 2013 के जो क्लास में मैं जाके बैठी एग्जाम हॉल में, तब क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, तो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हुआ. तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया, अकाउंट्स जो पहला ही पेपर था, सिर्फ 66 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ, इतना टेंशन आ गया कि काश पहले 2-3 एटलीस्ट 2 या 3 पेपर सॉल्व करके देखे होते, तो समझ में आता था कि कहाँ टाइम ज़्यादा देना है, कहाँ कम देना है. तो वो प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हुई. तो ये तो मिस्टेक है जो बिल्कुल मत करिएगा आप, बिल्कुल कोई भी स्टूडेंट ये मिस्टेक रिपीट ना करें. और हाँ, और जो सबसे बड़ी मिस्टेक मुझसे हुई थी कि मैंने प्रायर डिसीजन नहीं लिया कि मुझे एक ही ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप्स देना है. शुरुआत से ही था कि नहीं, मुझे तो दोनों ग्रुप्स देना है, क्लासेस करके आई हूँ, अब तो दोनों ग्रुप्स का प्रिपरेशन करना है. स्टार्ट टू एंड दोनों ग्रुप्स प्रिपेयर किए मैंने, और एग्जाम के 2 दिन पहले आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग फॉर फर्स्ट ग्रुप ओनली, सिंगल ग्रुप देने वाली हूँ मैं. तो जब पेपर हुए, मुझे नवंबर 2013 का जो रिज़ल्ट था, काफ़ी कम रिज़ल्ट आया था, कुछ 3% रिज़ल्ट था ऑल ओवर इंडिया. टफेस्ट रिज़ल्ट टिल टुडे आई गेस, नवंबर 2013 का. तो तब मुझे ग्रुप 1 जो मैंने अटेम्प्ट किया था, जो मैंने दिया था, उसमें 192 स्कोर था. तो रिज़ल्ट देख के मुझे समझ में आया कि जो मैंने ये 6 महीने दोनों ग्रुप्स की पढ़ाई करने में लगाए, अगर वही टाइम मैंने सिर्फ एक ग्रुप की पढ़ाई करने में लगाया होता तो मुझे कितना ज़्यादा बेनिफिट होता इस चीज़ का, और मेरा ये ग्रुप क्लियर 100% हो जाता था, सिर्फ 8 मार्क्स से रह गया. तो इसीलिए आप पहले ही डिसीजन ले लो कि एक ग्रुप देना है, अगर एक देना है तो कौन सा देना है, दोनों देना है तो 100% दोनों देना ही है, अगर आपको एक ही देना है तो इसकी आपको प्रायर डिसीजन लेके रखना ही पड़ेगा. बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है. और एक सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं, CA के एग्ज़ाम्स में एक अल्टरनेट डे बीच में छुट्टी होता है, तो मैंने एक सब्जेक्ट मेरा वीक था ऑडिट, जो अच्छे से तैयारी हुई नहीं थी, तो एक दिन पहले, एग्ज़ाम के एक दिन पहले अपनी एक फ्रेंड को बुला के उसके साथ पढ़ाई करी. तो अब आपने अगर साथ में शुरुआत से पढ़ाई नहीं की है साथ में, तो आप एक दिन पहले बिल्कुल मत करो ऐसे फ्रेंड के साथ, क्योंकि होता क्या है, आपकी प्रिपरेशन लेवल और उनकी प्रिपरेशन लेवल अलग अलग हो सकती है, और आपको टेंशन आ सकता है कि, और मेरे साथ ऐसा ही हुआ, उनका ऑडिट सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुआ था, और मैंने उनको इसीलिए बुलाया कि भाई उनका अच्छे से हुआ है तो वो मुझे कुछ समझाएंगे, तो शॉर्ट में समझ के ले लूँगी, वहाँ पर लिख लूँगी जो लिखना है. तो
हुआ उल्टा, इस चीज़ का असर उल्टा हुआ मेरे दिमाग पे, उल्टा मुझे टेंशन आ गया ये देख के कि उनका इतना अच्छे से हुआ है, मेरा तो हुआ ही नहीं, अभी तो मैं फेल हूँ, अभी तो मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना है, अभी तो मुझे जाना ही नहीं है, इतनी नेगेटिविटी आ गई। तो अगर आपने शुरुआत में से साथ में पढ़ाई नहीं की है तो लास्ट मोमेंट पे साथ में बिल्कुल मत करना। ओके, और मैंने नोट डाउन करके लिया है क्योंकि मुझे एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। तो ये कुछ चार पांच पॉइंट्स मैंने आपको बताए। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी सब्जेक्ट के लिए डिसाइड करते हो कि मुझे ये खुद से करना है, मैं इसका क्लास नहीं लगाऊंगी, सेल्फ स्टडी करूंगी, तो उस सब्जेक्ट के, स्पेसिफिकली उस सब्जेक्ट के लिए आप अपडेटेड रखो खुद को। अपने फ्रेंड्स से पूछते रहो जो क्लास कर रहे हैं, उनसे पूछो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखो, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखो, ये जानने के लिए कि वेटेज किस चीज़ को ज़्यादा है। अब मेरे साथ क्या हुआ था, ऑडिट का मैंने सेल्फ स्टडी किया था, तीन सब्जेक्ट्स थे जो मैंने सेल्फ स्टडी किए थे, ऑडिट, कॉरपोरेट लॉ और डायरेक्ट टैक्सेस। तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि इसमें वेटेज किस चीज़ को ज़्यादा है क्या है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग नहीं किया, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखे ही नहीं, और जिन्होंने क्लासेस किए थे उनसे भी कभी पूछा नहीं। तो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले मुझे पता चला कि ऑडिट में वो कारो जो टॉपिक है, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो बाय हार्ट करना होता है, वो जो सारे उसके क्लॉजेस है वो बाय हार्ट करने होते हैं। मैंने तो कभी बाय हार्ट किए नहीं, मैंने वो सिर्फ रीड किए थे, समझ लिए थे, अंडरस्टैंड कर लिए थे, बट विद द नंबर ऑफ दैट ये वो बाय हार्ट करने हैं ऐसा ध्यान में नहीं था। एग्ज़ाम के कुछ 10-15 दिन या 8 दिन पहले मुझे पता चला कि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो तब बहुत टेंशन आ गया कि अब मुझसे होगा या नहीं। तो वो टेंशन में हम और गड़बड़ कर लेते। तो इसीलिए अगर कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो कि मैं ये सेल्फ स्टडी करूँगी, मैं इसमें IPCC में इंटरमीडिएट लेवल पे मुझे इसमें अच्छा स्कोर था, तो मैं ये वापस नहीं करूँगी सब्जेक्ट, तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, बहुत सारा जितना आप रिसर्च कर सकते हैं उतना रिसर्च कीजिए, वेटेज डिसाइड कर लीजिए और फिर सेल्फ स्टडी शुरू कीजिए। तो ये मेरे कुछ मिस्टेक्स थे, लेट मी चेक अगर कुछ रह गया है तो। ओके, आई एम डन विथ एवरीथिंग। तो ये कुछ बातें हैं जो बतानी बहुत ज़रूरी थी। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप CA फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो कुछ बातें ऐसी है जो हम अवॉइड करें, तो ये वो बातें हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको भी चाहिए कि मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो ज़रूर मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कृष्णा कॉमर्स एजुकेशन इस हैंडल पे आप मुझे DM कर सकते हैं, मेरे पर्सनल हैंडल पे मुझे DM कर सकते हैं।